हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑरा योगा विद काजल। आज हम एक ऐसी औषधि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते होंगे इसके फायदों के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गिलोय की। वैसे तो हमारे आयुर्वेदिक में कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनमें से भी गिलोय को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि गिलोय की जड़ नीचे से हल्के ब्राउन कलर की होती है और थोड़ी थिक, थोड़ी मोटी रहती है, और इसके अंदर से हल्के हरे रंग के पत्ते निकले हुए होते हैं जो हार्ट शेप के होते हैं, पान के पत्तों की तरह होते हैं, और इन्हें हार्ट लीव्स भी कहा जाता है। नीम पे चढ़ी हुई जो गिलोय होती है उसे हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और औषधीय गुणों के रूप में इसे हम उपयोग में लाते हैं। गिलोय एक ऐसी बेल है जिसे हम 100 मर्ज की एक दवा कह सकते हैं और इसे गरीब के घर की डॉक्टर भी माना गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके नाम की। संस्कृत में इसे गुरुची, अमृतवल्लरी इस तरह के नाम से जाना जाता है और इसका वनस्पति नाम है टीनोस्फोरा कार्डिफोलिया। गिलोय अपने औषधीय गुणों और कड़वेपन की वजह से अलग पहचान रखती है। इसमें किसी भी तरह की गंध नहीं पाई जाती है और हमारे आयुर्वेद में इसे ज्वर या बुखार की एक महान औषधि माना गया है। अमृत के समान गुणकारी होने के कारण इसका नाम अमृता कहा गया है। कहते हैं कि जब देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन के दौरान इस अमृत की बूंदे जहां जहां पर छलकी वहां वहां इस गिलोय की उत्पत्ति हुई। तो है ना ये कमाल की औषधि गिलोय। और इसका फ्रेंड्स एक बहुत ही अच्छा फायदा ये है कि जिस पौधे पर भी अगर यह चढ़ जाए तो उसे मरने नहीं देती, इसीलिए इसे जीवंती के नाम से भी जाना जाता है। गिलोय की जड़, पत्ती व फल का अपना एक अलग ही महत्व है। किसी भी तरह का ज्वर हो, जैसे वो मंद ज्वर, जीर्ण ज्वर, टाइफाइड या मलेरिया, सभी के लिए यह एक अचूक औषधि मानी जाती है। इसका उपयोग मधुमेह, रक्त विकार, तीनों तरह के दोष, चाहे वो वात, पित्त या कफ से जनित हो, खुजली, बवासीर, मूत्र विकार, नेत्र विकार, प्रमेह, क्षय रोग आदि में किया जाता है। तिक्त होने के कारण इसका उपयोग पेट के कीड़ों को मारने में भी किया जाता है। इसकी पत्तियों में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन आदि पाया जाता है। अब हम बात करते हैं गिलोय के उपयोग की। किस बीमारी में कैसे गिलोय का सेवन करना है वो हम जानते हैं। अगर किसी को बार बार बुखार आता है, चाहे वो डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू, किसी भी तरह का बुखार आता है, तो उसे गिलोय का सेवन करना चाहिए। अब हम जानते हैं इसके सेवन की विधि। गिलोय का घन सत्व 1 ग्राम और त्रिफला पाउडर या त्रिफला चूर्ण जो है वो 1/2 चम्मच या 3 ग्राम, इन दोनों को शहद के साथ में मिलाकर सुबह शाम लेने से किसी भी तरह के ज्वर में फायदा मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ये घन सत्व क्या होता है, घन सत्व कैसे तैयार किया जाता है, क्या ये मार्केट में अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम जानते हैं घन सत्व घर पर तैयार करने की विधि। नीम पर चढ़ी हुई जो गिलोय है उसे घर लाके उसके छोटे छोटे टुकड़े करना, उसका जो तना है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसे सिलबट्टे के अंदर हल्का सा पीस देना है। उसे पीसने के बाद में जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं उसे हमें मिट्टी के बर्तन में पानी से भर के हल्का सा मसल के उसे रख देना है, और पानी आप चाहे तो पर्याप्त मात्रा में डाल सकते हैं। उसे कुछ देर मसल के रखें, 4 से 5 घंटे तक उसे भीगने दें। जब वो भीग जाता है और उसकी जो सतह है उस पर ये गिलोय का पाउडर जो है वो जमा हो जाता है, गिलोय का सफ़ेद पाउडर वहाँ जमा हो जाता है। 4 से 5 घंटे के बाद में उस पानी को आप नितार दें। पानी को नितारने के बाद में जब वो गिलोय का पाउडर रह जाता है तो उसे हम धूप में सुखाएंगे। धूप में सुखाने के बाद में जो वो गिलोय का पाउडर बनता है उसे हम हर तरह की औषधि के रूप में काम में लिया जाता है। जो मैंने अभी आपको बुखार के बारे में बताया कि बुखार में घन सत्व, वो यही घन सत्व है। इसी को किसी भी तरह के बुखार को ठीक करने में इसे काम में लिया जाता है, तो आप घर पे भी इसे तैयार कर सकते हैं। गिलोय का सेवन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी गिलोय का काढ़ा जो है हम पी सकते हैं। गिलोय का सेवन करने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर से विषैले पदार्थों या टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं बार बार होने वाले सर्दी जुकाम की। अगर किसी को बार बार सर्दी जुकाम, कोल्ड, कफ की शिकायत रहती है, जैसे लंबे टाइम से अगर किसी को कोल्ड है, कफ है, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। 4 इंच लंबी गिलोय की डंडी को लाके उसके टुकड़े कर दें। टुकड़े करने के बाद में उसको 1 कप पानी में उबालने के लिए रख दें। आप चाहे तो इसके अंदर अदरक, तुलसी, लौंग भी
या दालचीनी भी डाल सकते हैं, और जब आधा पानी रह जाए तो उसे छान कर पी लें। तो इससे आपको सर्दी जुकाम कफ में काफ़ी राहत मिलेगी। सर्दियों में इस काढ़े को आप सप्ताह में 4 से 5 बार तक लें, और गर्मियों में आप इसे सप्ताह में 2 से 3 बार सेवन करें। अब हम बात करते हैं कि गिलोय का सेवन किन प्रकृति के लोगों को कैसे करना है। वात, पित्त या कफ, इस तरह के दोष होने पर हमें गिलोय का सेवन कैसे करना है। यदि आपको कब्ज की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो आप गिलोय को गुड़ के साथ सेवन कर सकते हैं। वात से रिलेटेड जितनी भी समस्या है उसमें आप गिलोय का सेवन घी के साथ कर सकते हैं। पित्त शांत करने के लिए, पित्त की समस्या अगर किसी को है तो उसे गिलोय का सेवन शक्कर या मिश्री के साथ करना है, और शहद के साथ चाटने से कफ विकार दूर हो जाते हैं। आंखों के किसी भी तरह की समस्या के लिए गिलोय का स्वरस 10 ml शहद के साथ में लें। गिलोय पाउडर को पानी में अच्छे से गर्म करें। गर्म करने के बाद में या जब अच्छे से ठंडा हो जाए तो ठंडा होने पर इसे अपनी पलकों पे लगाएं। इससे भी आपकी आंखों में ठंडक पहुंचती है और आपको काफ़ी लाभ मिलता है। अब हम बात करते हैं डायबिटीज़ की। डायबिटिक पेशेंट जो भी है वो इस गिलोय का सेवन करके भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि गिलोय का सेवन जो है वो ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। तो इसके लिए आप चाहे तो टाइप 2 डायबिटीज़ वाले जो भी पेशेंट है वो भी गिलोय का सेवन करके अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। गिलोय पाचन शक्ति को बढ़ाती है, जैसे भूख न लगना, अपच, अत्यधिक भोजन करने से उत्पन्न होने वाली समस्या, गैस, एसिडिटी, कब्ज आदि में भी राहत दिलाती है। अब हम जानते हैं गिलोय के जो फायदे हैं वो स्ट्रेस रिलीफ करने में, स्ट्रेस दूर करने में या तनाव को दूर करने में इसके क्या फायदे हैं। यह आपको मानसिक शांति दिलाती है, चिंता या थकान को दूर करती है, एकाग्रता बढ़ाती है, और यह एक तरह से एडेप्टोजन की तरह काम करती है। यह न केवल आपकी चिंता या तनाव को दूर करती है बल्कि आपके मस्तिष्क की जो कार्य प्रणाली है उसे भी रोकती है। अब हम बात करते हैं जॉन्डिस या पीलिया। अगर किसी को पीलिया या जॉन्डिस की समस्या होती है तो इसके लिए गिलोय का सेवन कैसे करना है। गिलोय की पत्तियों को लाएं। आप चाहे तो गिलोय की 20 से 30 पत्तियों को लेके आएं और उसे लाने के बाद में अच्छे से पीस दें। पीसने के बाद में मट्ठा या छाछ के साथ इसका सेवन करवाएं। कुछ ही दिनों में आपको आश्चर्यजनक लाभ देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे ऑर्थराइटिस की, यानी कि गठिया रोग। ऑर्थराइटिस में इसका सेवन किस तरह से किया जाता है। वैसे तो ऑर्थराइटिस एक वातजन्य रोग है, इसमें भी गिलोय बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। प्रतिदिन इसके बेल के टुकड़े लाएं और उन्हें 2 कप पानी में डालकर काढ़ा बनाएं। उबलने के बाद में 5 ml आपको कैस्टर ऑयल या अरंडी का तेल डालकर इसका नियमित मॉर्निंग और इवनिंग में सेवन करना है। इसके सेवन से आपको जटिल संधिवात की समस्या भी दूर होगी। कि एनीमिया यानी कि खून की कमी, जो लेडीज हैं उनमें एनीमिया की प्रॉब्लम अक्सर देखी जाती है, वह इससे पीड़ित रहती है। इससे उन्हें हर वक्त थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन रहता है। गिलोय के सेवन से RBC की जो काउंटिंग है वो भी बढ़ जाती है और एनीमिया से छुटकारा मिलता है। तो इस तरह से गिलोय के अनेक फायदे हैं। 60 से 70 बीमारियां सिर्फ एक गिलोय के सेवन से ही मिटाई जा सकती है। वो पेट की चर्बी को कम करने के लिए हो, बालों की समस्या हो, बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम, रूखापन, बालों का झड़ना आदि की समस्या भी सिर्फ एक गिलोय के उपयोग से दूर होता है। गिलोय में एंटी एजिंग गुण पाए जाते हैं। इसकी वजह से त्वचा पे होने वाले पिंपल्स, पिगमेंटेशन और झुर्रियां भी दूर होती है। गिलोय का सेवन किसे नहीं करना है। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, छोटे बच्चे हो जिनकी उम्र 8 साल से कम हो उन्हें, और जो डायबिटिक पेशेंट है उन्हें डेली इसका सेवन नहीं करना है। जिनको पाइल्स की या बवासीर की समस्या है वो भी इसका डेली यूज ना करें। ये है गिलोय का स्वरस। ये स्वरस आपको कोई भी कंपनी का मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और ये है घनवटी, गिलोय घनवटी। ये भी आप कोई भी कंपनी की ला सकते हैं, इसे भी आप यूज ले सकते हैं। ये टेबलेट के जैसी रहती है, इसे भी आप यूज में ला सकते हैं, और आप चाहे तो इसका रस भी ला सकते हैं। और आपके घर में अगर गिलोय का पौधा है तो आप उस पौधे से ही उन पत्तियों का या उसकी डंठल का यूज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी यानी कि गिलोय के बारे में, इसके उपयोग के बारे में, किसे नहीं लेना है, किसे लेना है, कैसे यूज करना है। तो आप भी अधिक से अधिक मित्रों या अपनी फैमिली के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। अगली बार मैं फिर मिलूंगी एक नई जड़ी बूटी के साथ में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।